फ्रेंड्स ये देखिए कल शादी में आने के बाद से मेरे घर का हालत ये देखिए, सारे कपड़े ऐसे ही फैले हुए हैं, कुछ कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं। अभी मैंने बच्चों को छोड़ दिया है स्कूल, अब फिर उसके बाद से मैं लगूंगी क्लीनिंग में। ये सारे कपड़े जो है उन्हें फोल्ड करके लगाऊंगी। और इतना कोहरा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी मैं जब स्कूल जा रही थी छबियों को छोड़ने, रुपेश तो साइकिल से चला जाता है, तो थोड़ा सा मैंने क्लिप लिया है, आप देखिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके वहाँ कोहरा है या नहीं। तो यहाँ देखिए ये सारे कपड़े निकले हैं वास के लिए, जो बच्चे और मैं मतलब शादी में पहन के गए थे, हस्बैंड नहीं गए थे, उन्हें आज भी छुट्टी नहीं मिला क्योंकि शायद होगा काम ज़्यादा तभी छुट्टी नहीं दिए उनके सर। तो ये देखिए अभी मैं आपको छत पर से दिखाती हूँ, इयर रिंग पहन के गई थी ना, इसलिए कान सूना है और मेरा गला भी सूना है क्योंकि मैंने लॉन्ग वाला मंगलसूत्र पहना था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कोहरा। और ये देखिए मेरे हेयर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज ये कर्ली हो गया ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरा हेयर। और वैसे मुझे ना कर्ली बाल बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप देखिए कोहरा। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ऐसे फ्रंट कैमरे से तो मैं ही दिखूँगी, कोहरा नहीं दिखेगा, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ एक बार शेयर कर दूँ कि कैसा लग रहा हमारी तरफ कोहरा। ये देखिए सारे कोहरा ही कोहरा है, पूरा कोहरा ही कोहरा है ये देखिए। और मैं फ्रंट से आपको दिखाती हूँ, पर मैंने इतना काम किया है ना कि मुझे ठंडी नहीं लग रही है। देखिए सिर्फ मैं ये जैकेट हल्की सी डाली हुई हूँ। और चलिए अब मैं आपको बैक कैमरे से कोहरा, ये देखिए फ्रेंड्स ये सारा कोहरा ही कोहरा पूरा कोहरा कोहरा भरा हुआ है। और ये देखिए छवि कल पानी डाली थी ना पौधों में, कोई भी पौधा जो है ना फ्लावर नहीं ले रहा है क्योंकि ये सीज़न ही ऐसा है कि सारा शीत के नाते ना ओस के नाते सारे जो फ्लावर हैं, ये देखिए मेरा मनी प्लांट भी ख़राब हो रहा है ये देखिए। पर मैं कहाँ रखूँ, नीचे जहाँ इसे रखी थी वहाँ कूलर रख दिया है और अब जगह नहीं है मुझे इसे कहीं रखने के लिए, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं कहाँ रखूँ। तो अगर आप लोग सजेस्ट कर सकते होगे तो प्लीज़ करिएगा कि मैं अपने मनी प्लांट को कहाँ रखूँ जो ये सेफ़ रहे, क्योंकि मैंने इसे बहुत मुश्किल से ग्रो किया है और कोई भी पौधा जब मतलब उसके लीव्स जो ख़राब होते हैं ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मुझे सच में अच्छा नहीं लगता है मेरा कोई भी पौधा ख़राब होता है। तो बट मैं रखूँ कहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो अभी देखिए अभी तक मैंने कोई भी कपड़े वाश नहीं किए हैं। तो ये देखिए मैं खेत दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पर जो है ना अभी गेहूँ लगेगा, गेहूँ या सरसों ये लगाएंगे, वहाँ पे देखिए लगा चुके हैं ये। और अभी मुझे हमारी तरफ का एरिया इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि यहाँ जो है ग्रीनरी ना बहुत अच्छी है। तो सुबह मैं 10 मिनट के लिए आती ज़रूर हूँ, सिर्फ जैसे कहा जाता है ना, डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आप ग्रीन ग्रीन चीज़ देखते हैं मॉर्निंग में या कभी भी तो आँखों के लिए अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने अपने घर में ढेर सारा स्टीकर भी ग्रीन ग्रीन लगा दिया है। तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई, अभी नीचे चलते हैं काम करने के लिए क्योंकि पूरा घर जो है पूरा घर मैसी हुआ है। और मैं सिर्फ आपको कोहरा दिखाने के लिए छत पे आई थी कि दिखाती हूँ कि कितना सारा कोहरा है। फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक करना मत भूलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल पर नए हो तो भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी साथ ही प्रेस कर दीजिए जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, सबसे पहले आप वॉच कर पाएंगे। तो चलिए अभी मैं नीचे चलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो मेरी वीडियो जो है वो बहुत लेट चल रही है, ये पिछले सैटरडे यानी कि 4 तारीख की क्लिप है, 4 दिसंबर की क्लिप है। तो आगे का वीडियो आपको मिलता रहेगा क्योंकि मैं बनारस में थी नहीं, मैं घूमने चली गई थी इलाहाबाद अपनी सिस्टर के घर, तो इसकी वजह से मैं वहाँ पे मतलब हम बहनें मिलते हैं ना तो होता है ना कि बातचीत ही कर लो, तो इसकी वजह से मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी और मेरा वीडियो नहीं जा रहा था। तो अभी देखिए मैंने खिचड़ी चढ़ा दिया है और ये चोखा लगा रही हूँ आलू टमाटर का, बैगन है पर वो गोल वाला बैगन नहीं है चोखा वाला, तो इसलिए मैं सिर्फ आलू और टमाटर का जो है वो चोखा लगाऊंगी। इसमें मैंने कटी हुई प्याज डाल दी है, धनिया की पत्ती, कूटा हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च, सरसों का कच्चा तेल डाल दिया है। इधर खिचड़ी जो है वो खिचड़ी बस एक दो सीटी और लगाऊंगी फिर ये बन जाएगी। बट ये देखिए जब खिचड़ी बनती है तो पूरा गैस जो है बिल्कुल ख़राब हो जाता है, मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा फैल गया, इसमें का पानी जो होता है ना
वो पूरा फैल गया है। बस यही दिक्कत होता है खिचड़ी बनाने में। तो और फिर मैं चोखे को मिक्स कर लूँगी, जितना भी मैंने इसमें आइटम डाला है। तो अभी चोखा भी मेरा बन के रेडी है। और खिचड़ी के साथ वैसे तो मैं आलू गोभी की सब्ज़ी बना देती, पर आज हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम चोखा ही लगा दो, क्योंकि बहुत दिन हो गया खिचड़ी चोखा खाए हुए। और सभी को मैंने लंच करा दिया है, और यहाँ पे जल्दी से बर्तन वाश कर लेती हूँ फिर, क्योंकि मैं कल शादी में गई थी शुक्रवार को 3 तारीख को, तो इसकी वजह से कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। कुछ कपड़े तो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया, बट ये जो है छवि का जैकेट है और शॉल है, तो ये सब मैं सोच रही थी कि मैं छत पे खुद से धुल दूँ। और यहाँ इन जो मेरे पड़ोसी हैं उनका ढलैया होने वाला था, तो वही उनके यहाँ अभी मटेरियल जो है वो गिर रहा है। और फिर ये स्वेटर वगैरह है, साड़ी है, जो मुझे लग रहा था कि मतलब ख़राब हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा गंदा है, तो उसे मैं मतलब हाथों से ही मतलब कचार ले रही थी। और साड़ी है, साड़ी मतलब मशीन में है ऑप्शन कि आप सितारे वाली साड़ी भी डाल सकते हो उसमें, पर मैं साड़ी को हाथ से ही वाश कर लेती हूँ। और धूप अच्छी थी तो मैंने सोचा कि क्या मशीन में, आधा कपड़ा तो मैं मशीन में लगा ही चुकी थी, तो इसीलिए मैंने मशीन में पूरे कपड़े नहीं डाले, आधे कपड़े मैंने हैंड से वॉश कर लिए और आधे जो है वो मशीन में डाल दिए। तो अभी सारे कपड़ों को मैं फैला लेती हूँ। साड़ी, छवि का जैकेट था, छवि के जैकेट का जो बाजू होता है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा कर लेती है, इसकी वजह से इसके कपड़े मुझे हाथ से ही वॉश करने होते हैं। रुपेश के कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, पर छवि कर लेती है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने सारे कपड़े जो है वो वॉश कर लिए हैं, जितने भी कपड़े थे। देखिए फ्रेंड्स मेरा किचन भी नीट एंड क्लीन है, देखते हैं केक कितना इन्होंने छोड़ा है। थोड़ा सा बच्चे खाएं, अभी इतना सारा केक है तो थोड़ा सा मैं अभी खा लेती हूँ और छवि को दे दूंगी, क्योंकि वो अभी केक नहीं खाई है। तो चलिए मैं केक खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। तो ये देखिए फ्रेंड्स इतना सारा केक था और मेरे हिस्से सिर्फ इतना केक आया है, बस ये देखिए। दिखाओ छवि, छवि का ये केक है। रुपेश अपना तुम भी दिखा दो, दिखाओ, नहीं दिख रहा है। ये देखिए रुपेश का केक है और मेरे हिस्से सिर्फ इतना केक आया है। तो चलिए हम सब मिलके केक खा लेते हैं, हम, मैं और आप। दसवीं स्पून ला दो भैया को। तो आइए फ्रेंड्स केक खा लीजिए, ये लीजिए आप सबके लिए है। और तो अभी मैं केक खा लेती हूँ फिर। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी देखिए मैंने मोमो के लिए सोयाबीन जो है फूलने के लिए छोड़ दिया है, ये देखिए। और यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए, और दूध है तो ये अभी रुपेश कोचिंग से आ जाएगा तो उसे और छवि को दे दूँगी पीने के लिए। तो अभी आज डिनर में मोमो बनेगा, क्योंकि हस्बैंड खाना नहीं खाएंगे। तो रुपेश बोल रहा था कि मम्मी आज मोमो बनाइए, तो मैंने सोचा चलो ठीक है आज बना देते हैं, क्योंकि बच्चों का भी डिमांड कभी कभी पूरा करना चाहिए। और बाहर से तो हमारे यहाँ मोमो उतना अच्छा नहीं मिलता है, और हमें दूर जाना पड़ता है 2 किलोमीटर शिवपुर, तो वहाँ पे अच्छा मोमो मिलता है, पर अभी कौन जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं घर पे ही बना दूंगी। और इसकी रेसिपी एक बार पहले मैंने शेयर कर दिया है आप लोग के साथ। तो अभी आइए पहले, आज ना मैं दोपहर में सो गई थी, ऐसे ही अचानक नींद आ गया था, मतलब कभी सोती नहीं हूँ पर आज नींद आ गया था। तो मेरे माथे में ना हल्का हल्का दर्द है, तो इसीलिए सोच रही हूँ जितना जल्दी मैं बना के खाली हो जाऊँगी उतना अच्छा होगा। तो ये देखिए चटनी के लिए मैंने दो, एक बड़े साइज़ की और एक छोटे साइज़ का टमाटर ले लिया है। लाल मिर्च चाहिए मुझे मोमो की चटनी बनाने के लिए, जिसे मैंने अपने मंचूरियन वाली रेसिपी के साथ शेयर किया है, बट मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई कि इतनी क्वांटिटी में टमाटर और लाल मिर्च जाएगा, क्योंकि पेस्ट मैंने बना लिया था उसके बाद मैंने वीडियो को शूट किया था। तो ये, और ये देखिए मैं सूखी लाल मिर्च ले रही हूँ, इसकी अच्छी खासी क्वांटिटी रहेगी, देखिए इतनी। तभी चाय बॉयल हो रहा है, इसे पहले बंद करते हैं। अगर गैस पे कुछ गिर जाता है ना तो दिमाग खराब हो जाता है कि गैस पे कुछ गिर गया, जितना गैस क्लीन रहता है उतना ही अच्छा लगता है। तो अभी जल्दी जल्दी मैं पहले चाय बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे चाय, मेरे सर में दर्द है, जल्दी से चाय पी लूँगी तो हो सकता है कि सर का दर्द मेरे चला जाए। पर आज रुपेश के लिए और छवि के लिए मैं चाय नहीं बना रही हूँ, क्योंकि वो चाय पी लेते हैं ना तो वो दूध नहीं पीते हैं, और आज 2-3 दिन से यही रूटीन है कि वो दूध नहीं पी रहे हैं। तो मैं आज उन्हें चाय नहीं दूंगी, उन्हें दूध ही दूंगी। तो अभी मैं चाय में ये सारे मसाले डाल के फिर आप लोग से बातें करती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे थोड़े से पानी में इस मिर्ची को डुबा के रख दिया है कि थोड़ा ये पानी जब गर्म हो जाएगा ना तो मिर्ची फूल जाएगी और आसानी से मतलब पीसने में आसानी होगा। तो बस ज़्यादा टाइम नहीं, बस मैं 2 मिनट ही इसे पानी में रखूँगी, फिर ऐसे छोड़ दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि जो मिर्च है ना वो अच्छी तरीके से फूल जाए। और इसमें मैं थोड़े से ये देखिए हरी मिर्च ले रही हूँ थोड़े से, मतलब ये जो चटनी है ना वो काफ़ी तीखी बनती है तो इसलिए मैं इतनी, अब वो रेड जो मिर्ची है वो बिल्कुल तीखी नहीं है तो इसलिए मैं इसमें ये हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चटनी के लिए मैंने टमाटर और अदरक ले लिया है, 1 इंच से थोड़ा बड़ा था, और लहसुन की कलियाँ हैं, बट ये पूरा चटनी में नहीं जाएगा, आधा मोमो में भी जाएगा। और ये ग्रीन चिल्ली है जो, इसका आधा मैं चटनी में डालूंगी, आधा लहसुन और ग्रीन चटनी, लहसुन और हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट मैं मोमो में डालूंगी। तो चलिए अभी इन सबको मैं पीस लेती हूँ। तो मैंने सभी सामग्रियों को पीस लिया है, सोयाबीन, हरी मिर्च, लहसुन और मोमो की चटनी के लिए जो लाल मिर्च का पेस्ट था वो तैयार कर लिया है। फिर बच्चों को पहले दूध दे देती हूँ, फिर बाकी काम में लगूंगी। तो मैंने भी 1 गिलास दूध पी लिया है और बच्चे भी आ गए, ये लोग पी लेंगे, फिर ये पढ़ाई करेंगे। और मैं डिनर में मैंने बता ही दिया है कि आज मोमो बन रहा है, तो मोमो का मैंने जो फीलिंग होता है वो तैयार कर लिया है और इधर मोमो की चटनी तैयार हो रही है। अब फिर मैं इस मोमो तैयार कर लेती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं मोमो को बनाती हूँ, आटे का मोमो। ये देखिए कितना अच्छा बनता है ये, और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल नुकसान नहीं करता है क्योंकि मैंने इसमें मैदा बिल्कुल नहीं लिया है, ये सिर्फ गेहूँ के आटे का ही मोमो है। और यहाँ 5-10 मिनट लगा था स्टीम होने में, मोमो अभी स्टीम हो गया है। कितना अच्छा मोमो जो है, दिखने में ही लग रहा है, खाने में तो बहुत टेस्टी था। कैसा है रुपेश, नहीं खाओगी क्या छवि? तो ये लीजिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म मोमो चटनी के साथ। आप लोग पहले खा लीजिए, फिर मैं खा लेती हूँ। ये लीजिए, और बहुत टेस्टी बना, और मैं ये आटे से बनाती हूँ तो इसलिए नुकसान भी नहीं करता है। चलिए मैं खा के बताती हूँ आपको कैसा बना है। इतना मस्त बना है ना, एकदम टेस्टी। और फ्रेंड्स, विंटर के रूटीन में ना एक चीज और ऐड हो जाता है, जैसा कि जब हम बेड पे जाते हैं तो मटर जो आया होता है ना उसके छिलने का काम जो है बढ़ जाता है, तो मटर मैंने छिल लिया है। और आज का ब्लॉग जो था यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा।